So meet Mr. Saleem, Hi. Who is the first owner of this lovely Mini Cooper Electric. Okay, he's the first customer of this Mini Cooper Electric, and number two, I believe, is Mr. Gadkari. So you can imagine how lucky he is to be having the first Mini Cooper Electric in the country. In the month of December, I have booked this car with Bavaria in Pune, and out of 10 cars, ये फर्स्ट कार है मेरे पास. सो आई फील वेरी मच लकी डैट कि एक मिनी कूपर इंडिया में फर्स्ट कार जो भी है वो मेरे पास आया है. एंड इसको काफ़ी यूज़ करना है आगे. आई बिलीव कि 2 लैक्स 3 लैक्स 4 लैक्स तक इसको रनिंग मैं कर पाऊँ. दिस इज़ माई सेकेंड कार. आई एम हैविंग मर्सिडीज ईवी विथ मी. सो ये जब से लाया है मैंने उसको टच भी नहीं किया है. वो वैसे ही गैरेज में पड़ा है. सो रीज़न ये है कि इट इज़ वेरी काम एंड क्वाइट कार एंड वेरी पावरफुल. इट्स वेरी पावरफुल. ऑल फोर व्हील्स. एग्जैक्टली 200 HP, राइट? 200 HP. और एट अ सिंगल चार्ज इट गोज अराउंड 280 किलोमीटर्स. बस यही था. लॉन्ग ट्रिप्स तो अभी नहीं किया है बट प्लान है. एग्जैक्टली मैं आपको ऐड करने वाला था कि बिकॉज ऑफ कैप्टन संजय गुप्ता ही हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ टिप्स हाउ टू ड्राइव द ईवी विच एक्सपांड द एवरेज एंड द माइलेज ऑफ द ईवी कार्स. सो ट्रस्ट मी यही एक्सपीरियंस मैं आगे भी जितने भी ईवी ओनर्स हैं उनको मैं शेयर करूँगा. क्योंकि और एक चीज़ यहाँ से मुझे सीखने मिली कि एक्सपीरियंस आप जैसे आगे शेयर करोगे तो वो एक्सपीरियंस और आगे शेयर होगा. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मिनी कूपर ड्राइव्स दैट इंडिया वुड बी सीइंग एंड वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू बी इनसाइड इट एंड रिकॉर्डिंग इट द ड्राइव. सो वी आर एट अ सिटी कॉल्ड मिराज इन महाराष्ट्र एंड मिस्टर सलीम. हाय. Yeah, he's the proud owner. So, ये आपका कौन सा चैनल है? YouTube Plug in India है. Plug in India. मैं भेजता हूँ उसका लिंक आपको. Vehicle advocacy है. 2013 से कर रहे हैं. 2013 से EV चला रहे हैं. Okay. मैं 2001 से चला रहा हूँ. Actually, यहाँ पे आपको चार मोड मिलता है. You can see here. This is a sports mode. And the second is this is mid. Balance setting. And third mode is green mode. And the final mode is green plus. उसमें AC बंद कर देता है. AC बंद होता है और maximum range जो है without comfort functions you will get into this mode. So I think green plus is the best mode to drive the car, which give comfort, excellence. With an good mileage to the car, but 69 to 71 2 kilometer. नहीं 61 था. 61 to 71 हुआ. अच्छा 10 kilometers का फर्क. तो SOC है अभी? SOC है 47%. NDT 61 kilometer. हाँ ये इनका वही driving ज़्यादा रहा नहीं है ना? Right. तो it comes from the previous driving. Driving. Exactly. Sports modes जो अभी दिखाया था वो वाला है. देन ये वाला जो बटन है वो ट्रैक्शन का ऑन ऑफ का है. ये दिस इज़ द स्विच एंड दिस स्विच इज़ अगेन फॉर लो एनर्जी रिकवरी एंड हाई एनर्जी रिकवरी. दिस लाइट शोज दैट द व्हीकल इज रनिंग ऑन लो रिकवरी. व्हाट वी कॉल इट रीजनरेशन. एंड दिस इज हाई एनर्जी रिकवरी मोड. एक्सीडेंट छोड़िए तो चौक स्टॉप हो जाता है. यस फास्ट. मैप काम करता है. Okay. All four wheels. The feel is like a roller coaster. नहीं आप Nexon अभी चलाना यहाँ जाके. Oh my God. ये तो जबरदस्त है. उसमें भी कम नहीं है.
ये मैंने XC40 में देखा था ये वाला थ्रॉटल ये फील बट इतना नहीं है उसमें वो पूरा फुल पे जाता है न्यूट्रल पार्किंग ऑटोमेटिक ये सारे बटन्स क्या है कौन से स्विच ये नेविगेशन मैप एंड सोफे फीचर्स फिजिकल बटन BMW ish नहीं मिनी कूपर इज फुल ऑफ दैट फिजिकल बटन्स एंड यू हैव हार्मन कार्डन सिस्टम Tiago EV आ रहा है देन यू हैव सिट्रॉन का सिट्रॉन EC3 आ रहा है सर 30 किलोवाट बैटरी पैक एंड 10 लाख किश महिंद्रा का XUV400 आ रहा है नेक्स्ट ईयर समथिंग सिमिलर टू द नेक्सॉन आई थिंक उनका प्राइसिंग सिमिलर रहेगा नेक्सॉन ईवी प्राइसिंग वी हैव सीन फ्रॉम आउटसाइड नहीं चला है एंड व्हाट विल बी द प्राइस दे विल मैच द नेक्सॉन इज व्हाट वी फील उसके साथ मैच करेंगे Nexon के साथ इसका जो बैटरी जो है ना ये इंपोर्ट हो रहा है या इसका असेंबल्ड किसका ये जो ईवी कार के जो बैटरी हाँ बैटरी टाटा का बैटरी जो है वो टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स इंडिया में बनाते हैं एक्सेप्ट सेल्स जो है वो बाहर से आता है प्राइजेस जो है पेट्रोल और डीजल के कार से मैच होने को कितना और समय जाएगा 3 साल और 3 साल यस जब सेल्स इंडिया में बनाएंगे तब हो जाएगा 3 साल में एक पेट्रोल कार और ईवी कार 250 किलोमीटर रेंज वाला मैच हो जाएगा ये एक बात जो हम बोलते हैं ना पोल्यूशन कम होगा ईवी से इज इट ट्रू 100% अब ये इनका देख लो समीर का सोलर पावर यूज कर रहे हैं क्या हो रहा है पोल्यूशन क्या पोल्यूशन हो रहा है बताओ इसके बैटरीज जो भी है वो उसका जो मेरा प्रियस को हो गया 12 साल 2010 का गाड़ी है अभी तक बैटरी का कुछ नहीं हुआ है What does it mean? 12 साल right. तो हो गए और उसमें साइकिल्स भी बहुत होते हैं बिकॉज वो चार्ज डिस्चार्ज चलते रहता है उसमें राइट right. और ये में. इसका बैटरी का जो है ना इसके जो लाइफ 8 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी कंपनी बोलता है मेरे हिसाब से 15 साल कहीं नहीं गए अच्छा और 10 साल में आपका 10-15% डिग्रेड होगा इज व्हाट इज माय उसका परफॉर्मेंस कम होगा हाँ हाँ रेंज कम होगा अभी हमारा E2 अभी है वो भी मेरा 9 साल हो गया ओके इट्स डाउन बाय अबाउट 20% बट वो इंफीरियर सेल्स थे अच्छा थोड़ा सस्ता सेल्स लगाए थे मेरा भी 9 साल हो गया E2 और उसका भी अभी 90 किलोमीटर मिल रहा है पहले 100 मिलता था अभी 90 मिल रहा है ओके सो अभी ये पहले बैटरीज पुराने आपका जो E2 है और अभी जो नेक्सॉन में क्या डिफरेंस है बैटरी का अरे वो हाफ साइज है साइज ज़्यादा बड़ा है नेक्सॉन में लिक्विड कूलिंग है तो बैटरी कूल हो जाता है सो लाइफ ज़्यादा रहता है आई एम श्योर नेक्सॉन भी बैटरीज के लास्ट मोर 10 ईयर्स कैप्टन मेरे हिसाब से अच्छे से यूज करें तो इट शुड क्रॉस 15 इयर्स लास्ट क्वेश्चन मेंटेनेंस जो होता है बैटरी का वो हम लोग को क्या करना चाहिए कि ताकि उसका और लाइफ अच्छे से रहे हाँ बेस्ट इज यू टेक इट टू द सर्विस स्टेशन दे हैव गॉट अ सॉफ्टवेयर दे विल रन थ्रू द सॉफ्टवेयर आपको पता चल जाएगा किस हालत में है आपका बैटरी एंड दे विल वर्क ऑन इट टू फिक्स इट देयर एंड देन क्योंकि उनकी इज्जत का भी सवाल है राइट हाँ हाँ कोई भी बैटरी बहुत जल्दी चेंज हुआ वो मार्केट में उतरेगा कि अरे तो 5 साल में बैटरी चेंज हो गया बैटरी पैक विल हैव मेनी मल्टीपल सेल्स सम सेल्स कैन गेट वीक व्हाट दे डू दे रिप्लेस दैट इंडिविजुअल सेल ओके ये भी होता पैक नहीं होता पैक चेंज नहीं होता वेरी गुड सो दैट्स सो यू कैन एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ मोर देन 10 इयर्स सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द कम्युनिटी यस थैंक यू सो मच यू जस्ट नाउ ड्रॉ द मिनी ईवी हैचबैक साइज व्हाट इज द रेंज यू कैन गेट ऑन विद एसी विदाउट एसी एसी comfortable 300 kilometers because even the ZS-EV had a 40 kilowatt pack and comfortably I was getting 300 so I am comparing more or less because this is more powerful motor and the weight is less of course but I think that gets compensated okay so the drivetrain may not be that efficient because it's yes powerful motor very powerful motor 200 hp is hell out of power 100% मार्केट ईवी का होना चाहिए बिकॉज
पेट्रोल और जो डीजल के जो कॉस्ट है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है. सो आई बिलीव कि ईवी आगे हर घर घर में ईवी होगा. थैंक यू. वी इंपोर्ट 7 लाख करोड़ वर्थ ऑफ पेट्रोलियम. एग्जैक्टली राइट. सो दैट मच हार्ड करेंसी कैन बी सेव्ड इफ ऑल ऑफ अस स्विच टू इलेक्ट्रिक. राइट राइट.